Okay, we are going to see the first 10 questions of exercise chapter 31 SCV2 capacitors. Let's see the first question. When these many electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitance of two conductors system. To capacitance nikalna hai, Q is C is equal to Q by V, है ना? V is given, Q is not directly given. Q is equal to any होता है, number of electrons multiplied by charge of each electron. एक पे positive, एक पे negative, तो magnitude लेते हैं यहाँ पर, तो values put कर देंगे, and we get 1.6 into 10 to the power minus 8. Total charge is product of numbers multiplied by charge on each electron. Question number 2, the plates of parallel plate capacitors are made of the circular disc of radii so and so. If the separation is given, what is the capacitance? So parallel plate capacitor ka formula, epsilon naught A by D. A is the area of the each plate, pi r square, single plate ka area likhna hai, pi r square ki value put kar do. Simplify karna hai calculations, this much is the answer. ऐसा यूनिट में पुट करना है, ये मिलीमीटर है, माइनस 3 हो जाएगा पावर में, ये सेंटीमीटर है, ये माइनस 2 हो जाएगा पावर में, स्क्वायर भी हो जाएगा उसका. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वन विशेस टू कंस्ट्रक्ट वन फैरेड कैपेसिटर यूजिंग सर्कुलर डिस्क. इफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क इज 1 mm, व्हाट वुड बी द रेडियस? तो एफ इज गिवन, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई डी, डी इज़ गिवन, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, एफ इज़ गिवन इन ऐसा यूनिट. तो रेडियस निकालनी है, आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही फार्मूला में वैल्यू पुट करके, इट इज़ कमिंग 6 × 10⁻³, विच इज़ 6 किलोमीटर रेडियस, डायमीटर 12 हो जाएगा. तो वेरी बिग, वेरी वेरी ह्यूज प्लेट यू नीड इट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया दिस मच एंड सेपरेशन दिस मच इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी एंड हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी. तो क्या क्या दिया, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, दो ही चीज़ें चाहिए कैपेसिटर निकालने के लिए, सी मिल जाएगा और क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी दिया हुआ है, चार्ज मिल जाएगा. एंड वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी इज क्यू इन टू वी, चार्ज मिलने के बाद पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन बाई बैटरी भी मिल जाएगा. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फार्मूला पुट कर दिया, वैल्यू सब ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, पुट किया यहाँ पर सी आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, दिस मच वर्क इज डन बाई द बैटरी. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा देर शुड नॉट बी एनी डे, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला और उसको पुट करो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके, जहाँ भी ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है. इसके लिए अगर तुम्हें कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो सी माई वीडियो लेक्चर्स ऑफ द यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके बिगिनिंग लेक्चर्स में दिया हुआ है हाउ टू कन्वर्ट दिस दैट इन टू ऐसा यूनिट. प्रीफिक्सेस जो रहते हैं ना, मिली, 10⁻³ होता है, सेंटी, 10⁻²² होता है, स्क्वायर भी है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, इसमें ओनली 10⁻³ रहेगा. तो ये सब फर्स्ट चैप्टर के उसमें दिए यूनिट्स एंड डायमेंशन, चैप्टर 2 है एक्चुअली वो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द प्लेट एरिया दिस मच एंड सेपरेशन दिस मच बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी दिस, है ना? क्या क्या दिया, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया हुआ है एंड वोल्टेज दिया है, फाइंड द चार्ज. फिर से सिम रिपीट है पहले उसका, क्यू इज इक्वल टू सी वी से चार्ज निकाल लिया एंड द प्लेट सेपरेशन इज नाउ डिक्रीज टू 1 mm, ये आधी कर दी, पहले कितनी थी, डबल थी, है ना, 2 थी, अभी 1 कर दी. तो अगर डी हाफ हो गया तो चार्ज डबल हो जाएगा, है ना, डी डिनोमिनेटर में है ना, तो डबल हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज इतना है, जितना था उतना ही एक्स्ट्रा चार्ज आएगा डबल होने में. गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन, C1, C2, C3 दिए हुए हैं. तो पैरेलल में है और बैटरी का कोई वो नहीं है,
इधर बैटरी दिए, बीच में दिए बैटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैरेलल इधर दिया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्यू वन इज इक्वल टू सी वन वी, सिमिलरली क्यू टू इज इक्वल टू सी टू वी एंड सी, सारी वैल्यूज डायरेक्ट आ जाएंगी, तुम्हें नेट कैपेसिटेंस निकालने की ज़रूरत नहीं। पैरेलल में ये एडवांटेज रहता है, अगर रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे तो नो प्रॉब्लम बिकॉज करंट डजेंट फ्लो, पोटेंशियल डजेंट ड्रॉप, दैट पॉइंट वी लर्न लेटर ऑन। ओके, थ्री कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटेंस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 12 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सीरीज में चार्ज तो सेम रहता है बट नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज का फार्मूला लगा लिया हमने, नेट कैपेसिटेंस इतना आया एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट इंटू वी, इतना सभी पे सेम रहेगा, सेम ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, उसके बाद हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नेट इंटू वी, तो क्यू जो ऊपर से निकाला वो, वी बैटरी का वोल्टेज, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर शोन हियर। हाँ देखो, ये दोनों यहाँ पे सपोज पोटेंशियल वन लिया और यहाँ पे टू लिया, तो दोनों वन एंड टू पोटेंशियल के बीच में दोनों पैरेलल है, इसका नेट निकालना पड़ेगा पहले। फोर एंड फोर एट आ जाएगा, इस एट के साथ सीरीज में आ जाएगा ये, तो फोर रह जाएगा, तो उससे हमें नेट चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर है नेट चार्ज मिल गया, नेट कैपेसिटेंस फोर आ गया, तो नेट चार्ज मिल गया इतना, तो ए पर तो इतना आ गया, ए से पूरा चल के आएगा, यहाँ से जितना चलेगा बैटरी से आगे चल के, देखो फोर फोर है तो आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आधा इसमें आ जाएगा, तो टोटल चार्ज का पूरा तो इसी पे आएगा बट यहाँ पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स व्हाट वी हैड डन। इतना चार्ज आया, बाकी दोनों में 50% डिवाइड हो जाएगा, 48 का 24 हो जाएगा, इक्वली डिवाइडेड बिकॉज चार्ज, बिकॉज कैपेसिटेंस इज सेम, बिकॉज कैपेसिटेंस इज सेम। सी इज सेम, आगे के सी सेम है, देखो इसमें ना फोर फोर है दोनों। नेक्स्ट वन इज टेक सी वन सी टू इन शोन इन फिगर, कैल्क सी वन फोर और सी टू, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स इंडिकेटेड, ये दो पॉइंट के बीच में। तो देखो, ये दोनों कनेक्टिंग वायर्स है तो ये कॉम्प्रेस होकर सिंगल पॉइंट बनाएंगे, सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, इनको भी कॉम्प्रेस कर देंगे, सपोज ये वन ये टू ये थ्री, वन एंड टू के बीच में जो वो है ये वाला पॉइंट कंप्रेस हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में है और नेक्स्ट टू वाले भी पैरेलल में है बिकॉज ये पॉइंट कंप्रेस ऐसे बन जाएगा। तो यह बना ही दिया मैंने इसको, ये मान लो ये इक्विवेलेंट ये बन गया, ऐसे इसमें भी इक्विवेलेंट ये दोनों कॉम्प्रेस होकर सिंगल पॉइंट बन जाएंगे सेम पोटेंशियल के, तो ऊपर ये सिंगल पॉइंट ऐसे, बाकी दोनों 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 पैरेलल में है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस ऐसे ऐसे सर्किट आ जाएगा। अभी इजी है बिल्कुल, ये फोर एंड सिक्स तुम्हारे पैरेलल में होगा, टेन एंड टेन एंड टेन सीरीज में होगा तो फाइव आ जाएगा, ऐसे ही ये भी है, जस्ट डू इट बी पार्ट ऑन योर ओन। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट को हमें ठीक से चेक करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे सपोज हमने पॉइंट वन लिखा, यहाँ पे टू लिखा, तो बैटरी का ये पॉइंट इधर कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये वाला कैपेसिटेंस देखो वन एंड टू के बीच में ही है, और ये वाला भी देखो, ये देखो टू के साथ है और इधर से कनेक्शन देखो ये वन के साथ है, तो दोनों वन एंड टू के बीच में ही हैं, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, इधर देखो ये पॉइंट वन है ये टू है, वन एंड टू के बीच में बैटरी भी है देखो ये वाली, और ये दोनों कैपेसिटेंस वन एंड टू के बीच में दोनों पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस सिक्स प्लस फाइव इलेवन आ गया, और उसके बाद क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट इनटू वी, उससे जो है टोटल चार्ज ड्रॉन है ना, चार्ज सप्लाइड, तो ये नेट चार्ज सप्लाइड आ गया वन वन टेन माइक्रो कूलम। दैट्स ऑल दिस, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द